राजगढ़ जिले के बोड़ा में किसानों की फसल को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथी लेते हुए तंज कसा साथ ही उन्होंने बताया कि सोयाबीन की फसल फली न आने के कारण तथा कई अन्य कारणों से लगभग नष्ट हो चुकी है किसानों की जमीन में फसल में बांझपन का तत्काल सर्वे कराया जाए बढ़ते बिजली बिलों की दर को सीमित किया जाए